एक अभिनेत्री और मॉडल है। वह लंबे समय से चल रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में श्रीमती बबीता अय्यर के रूप में अपने काम के लिए जानी जाती है। वह 15 साल से ज़्यादा समय से इंडस्ट्री में है। उन्होंने कई टीवी विज्ञापन में काम किया है और कई मॉडलिंग असाइनमेंट में भी काम किया है। मुनमुन दत्त का जन्म 28 सितंबर 1987 को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हुआ था। वह बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन बाद में अभिनेत्री बन गई। मशहूर टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नजर आने के बाद वह घर घर मशहूर हो गई। तब से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह कई मॉडलिंग असाइनमेंट में भी नजर आ चुकी है। हालांकि उनके बालों का रंग भूरा है, उसे अपने बालों को रंगने का शौक है और वह अक्सर सुनहरे सुनहरे बालों का रंग पहनाती है। मुनमुन दत्त का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके माता पिता दोनों गायक रहे हैं। अपने परिवार की तरह उन्हें भी गायन में रुचि हो गई, इसलिए उन्होंने शास्त्रीय गायन का प्रशिक्षण लिया। उनके पिता की लंबी बीमारी के बाद 11 जून 2018 को मृत्यु हो गई। सूत्रों के मुताबिक मुनमुन दत्त एक्टर अरमान कोहली के साथ रिलेशन में थी, लेकिन उनके आक्रामक स्वभाव के कारण रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। ऐसा भी कहा जाता है कि अरमान मुनमुन के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करते थे। सितंबर 2021 में उनके तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सहकलाकार रात आंद्रे के साथ रिश्ते में होने की अफवाह थी, जो शो में टप्पू की भूमिका निभाना चाहते थे। मुनमुन दत्त ने अपनी स्कूली शिक्षा ऑक्सफोर्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कानपुर यूपी से की। उच्च शिक्षा के लिए वह पुणे चली गई और काला में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उनकी मां ने उन्हें पत्रकारिता करने के लिए प्रेरित किया और इसलिए उन्होंने पत्रकारिता पाठ्यक्रम में दाखिला लिया, लेकिन ग्लैमर की दुनिया में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इसे बीच में ही छोड़ दिया।